भिलाई में इन दिनों बेखौफ बदमाश कानून को ठेंगा दिखाते हुए चाकूबाजी और कट्टरबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर चाकूबाजों ने चाकूबाजी करते हुए एक युवक पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। नशे में धुत चार युवाओं ने मिलकर गोकुल ढीमर नामक युवक पर चाकू से हमला किया। पूरी घटना सुपेला के इंदिरा नगर की है, जहां गोकुल ढीमर नामक युवक पर चार युवकों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खून से लथपथ गोकुल को देखकर आसपास के लोगों ने तत्काल डायल 112 को फोन किया। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और पहुंचते ही घायल को सुपेला के सरकारी अस्पताल ले गई, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर होने के कारण उसे दुर्ग जिला अस्पताल रिफर किया गया। फिलहाल घायल गोकुल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि चाकूबाजी की मुख्य वजह पुरानी और आपसी रंजिश बताई गई है। जानव साहब मैं बाजार के रहे, बाजार से आ सब्जी भाजी इमारत साफ करत बैठे रहे। एक अपना बन लड़का ऐसे कि राजा चाकू मार जिसके के दौड़ा गया साहब, तब फिर वो लोग उठा के सीधा मन हॉस्पिटल ले लाने है। कहीं नहीं जाना साहब। का नाम है तू लड़का के? गोकुल ढीमर नाम है, घर में हमारे राजा राजा कीर्तन साहब। कौन से वार्ड में रखोगे? इंदिरा नगर। एक अपन कोई पुराना रंजिश थी इसका? अब उतना नहीं जाना साहब, नीरीज कोई दुश्मनी नीरीज मोर लड़का मन सर। आप ओकर मां हो? हां ओकर मां हूं सर। का काम करते हो आपके लड़का? गाड़ी चलाते हैं साहब, अभी 5-6 महीने से बैठे घर में, कहीं नहीं जाते। कितना जन मिलके मारे होला? अब मैं देखे छिन, मैं कहां बताऊं साहब। ठीक ठीक।